निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। किशनगढ़ के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय सुरेश टाक जी, पूर्व विधायक सम्मानीय नाथुराम सिनोदिया जी, हमारे जिला कलेक्टर सम्मानीय विश्वमोहन शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक सम्मानीय कुंवर राष्ट्रदीप जी, यहाँ के सभापति सीताराम जी साहू साहब, सम्मानीय सुधीर जैन साहब, आज किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि का दिन है। बड़ा इलाका है, किशनगढ़ की खुद की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और जिस तरह से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना है मार्बल का, मार्बल सिटी के नाम से पूरी दुनिया में किशनगढ़ का नाम है। हजारों मजदूर यहाँ बाहर के लोग काम करते हैं, स्थानीय निवासी लोग हैं। कानून और व्यवस्था चाक चौबंद कैसे रहे, कैसे आम आदमी को लगे कि सरकार प्रयास कर रही है हम सब लोगों को सुरक्षित वातावरण देने का, उसी कड़ी में ग्रामीण इलाका भी काफी बड़ा है यहाँ और शहरी क्षेत्र भी, उसका भी विस्तार काफी हुआ है और लगातार जारी है। एयरपोर्ट भी यहाँ बना है। ऐसी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने फैसला किया और हमारी सरकार ने इसको चालू किया। ये क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात है। 17 दिसंबर को सरकार का एक साल पूरा होगा। राजस्थान में इन एक साल के अंदर जो जन घोषणाएं हमारी सरकार ने की थी चुनाव से पहले और उसके बाद जो बजट घोषणाएं की मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कई जगह समारोह में जाते हैं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी होती है और समय समय पे जब ब्रीफिंग होती है डिपार्टमेंट्स की, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, उसमें डायरेक्शंस भी जारी किए जाते हैं। चार कैटेगरी को लेके पूरे राजस्थान में अलग अलग विभाग में संबंधित विभाग के मंत्री इन दिनों में सरकार के कामकाज जो एक साल में हुए, जो लोकप्रिय निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए, उन पे हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना जमीन पे उतरे हैं, वो सारी चीजें आज मॉनिटर हो रही है। कुल मिला के जो सरकार का उद्देश्य है, कैसे हम राजस्थान के 7,48,00,000 लोगों को गुड गवर्नेंस दें, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कानून और व्यवस्था की बात हो। सबसे पहले तो मैं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, जिन्होंने 9,00,000 रुपए की सहायता की है, ये नया डीएसपी भवन कार्यालय बनाने के लिए उन्होंने मदद की है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन एक अपने आप में उदाहरण है जो यहाँ के लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। चाहे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर और क्या था अस्पताल है वो, उसका संचालन हो, अभी हम भागवत कथा करके आए वहां भी जिस तरह का पंडाल बना हुआ है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। आर के मार्बल वालों ने जिस तरह कम्युनिटी सेंटर बनाया है यहाँ पे और मार्बल एसोसिएशन बराबर लोगों के हित में जो काम करती है, सहायता करती है, मैं उनका भी आभारी हूं। और ये इस मौके पे आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस सरकार का आप लोगों ने निर्माण किया एक साल पहले, कोई कोर कसर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। लोगों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे राजस्थान के विकास के लिए, अब आप देखिए 70 साल के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र को, जिसको मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, 70 साल में 16 मेडिकल कॉलेज खुले थे पूरे राजस्थान में सरकारी क्षेत्रों में। और ये 11 महीने में हम लोगों ने 15 नए सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोल दिए, उनकी स्वीकृति। एक मेडिकल कॉलेज पे 325 करोड़ रुपए खर्च होगा। डॉक्टरों की कमी से जूझते हैं, आए दिन समाचार आते हैं। अब एक बात बताइए कि डॉक्टरों की कमी
हर व्यक्ति डॉक्टर का काम तो कर नहीं सकता, उसके लिए तो उसको 5 साल का कोर्स, फिर जो भी उनका इंटेंसिव पीजी सब करने पड़ेंगे। एक आदमी की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन ये कमी कोई एक दिन में होती नहीं है, कमी चली आ रही है, बहुत समय से चली आ रही है, चाहे नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जब नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे राजस्थान में, अब 3 जिले और बचे हैं, उनमें राजसमंद है जहां निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है, भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं है कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर का कोई मेडिकल कॉलेज हो वो स्वीकृति नहीं देते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अभी 3.5 घंटे मुख्यमंत्री जी ने अकेले चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है पूरे राजस्थान में, एक मैराथन मीटिंग ली, चीफ सेक्रेटरी उसमें थे, पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, मेडिकल हेल्थ के, सारे डिपार्टमेंट के लोग थे। उनका फोकस है राजस्थान निरोगी राजस्थान बने, तो ये डायरेक्शन दिया गया कि जो 3 जिले बचे हैं, चाहे जालौर है, प्रतापगढ़ है और राजसमंद है, यहां भी सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज आने वाले टाइम में खोला जाएगा। उसके बाद राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कैपिटेशन फीस भी ज्यादा, फीस का स्ट्रक्चर भी ज्यादा, सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने के